हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है अपने दमदार वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिया, मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आज के इस समय में बहुत सारे मसीही भाई बहन पास्टर प्रचारक लोग अपना जीवन ऐसे बिता रहे हैं, वे शिक्षा तो देते हैं और खुद वे उस वचन पे नहीं चलते हैं। यहाँ तक कि पास्टर भी उसी काम में संलिप्त है। की मजदूरी मौत है, मौत है, मौत है। पाप करोगे तो मृत्यु होगी, होगी। पाप करोगे तो मृत्यु होगी। परमेश्वर आपको स्वर्ग का जीवन नहीं देगा। जरा सोच के देखो, जिस शरीर पर, जिस बॉडी पर आज हमें घमंड है, जिस बॉडी पर हमें आज घमंड है, जिस शरीर पर आज हमें घमंड है, वही शरीर एक दिन परमेश्वर आग में जिंदा जलाएगा। स्वर्ग सिंहासन के सामने उसे न्याय करके परमेश्वर नरक में डालेगा। न्याय किया जाएगा, स्वर्ग सिंहासन के सामने उसको खड़ा होना पड़ेगा। ध्यान से सोचना, जो प्रभु को नहीं जानते होंगे, जो अपने देवताओं को पूजते पूजते मर गए होंगे, अपने माता पिता से बिछड़ गए होंगे, बहुत दूर चले गए होंगे, और उनकी एक ही जगह ठहराया है परमेश्वर ने, नरक, 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 जो विनाश की अग्नि में है, जो नरक की आग है, जो अनंत काल की मृत्यु है, जो अनंत काल की मृत्यु है, जो परमेश्वर ने ठहराया है, जो परमेश्वर ने ठहराया है। आज के समय में ऐसे मसीह भाई बहन पड़े हुए हैं जिनके आँखों में परमेश्वर का डर नहीं है, भय नहीं है। वे अपना जीवन ऐसे बिता रहे हैं कि उन्हें कभी मरना नहीं है, कभी मरना ही नहीं है। अभी समय है, सुधर जाओ, पाप मत करो, पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, मत करो भैया, मत करो। समय कम है, दिन बुरे हैं, समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाला है। समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं। सुधर जाओ, सुधर जाओ। जीवन और मौत की बातें आपके सामने रखे हुए हैं। चुन लो जिसको चुनना चाहते हो। चंगाई चमत्कार के पीछे मत भागो भैया। चंगाई चमत्कार आपको स्वर्ग नहीं दे देगा, आपको स्वर्ग नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि जहाँ पर यीशु मसीह रहता है वह जगह पवित्र है। अपने अंदर झांक के देखो, पहले अपने अंदर झांक के देखो, मेरे अंदर क्या पाप है, क्या बुराई है, क्या व्यभिचार है, क्या पाप है, उसको छोड़ दो और हटा दो और काट के फेंक दो। जैसा कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ बाइबल से प्रूफ, मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय के 27-28-30 वचन में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर दृष्टि डाले तो वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा जो पूरा शरीर है नरक की आग में न डाला जाए। यहाँ पे वचन में लिखा है, आप किसी स्त्री पर गंदी दृष्टि डाल देते हो, उसे देख लेते हो, आपकी नजर उसके गुप्त अंगों पे जाएगी तो आप उससे व्यभिचार कर चुके। जरूरी नहीं है कि हम उससे शारीरिक संबंध ही बनाए। यदि हमारी आँख, यदि हम उसको देख लेते हैं, बुरा सोच लेते हैं, कर देते हैं, स्त्री पे गंदी नजर डाल देते हैं, तो हम व्यभिचार कर चुके, पाप कर चुके, व्यभिचार कर चुके। यहाँ पर वचन कहता है, तेरा दाहिना हाथ, तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर निकाल के फेंक दे। परमेश्वर ना आँख निकालने के लिए बोल रहा है, ना हाथ काटने के लिए बोल रहा है। यदि आपकी गर्लफ्रेंड आपको पाप में गिराती है, आपका मोबाइल आपको पाप में गिराता है, यदि आपके हाथ गलत कामों में की ओर लेकर जाते हैं, तो उन्हें छोड़ दो, बंद कर दो। जो पृथ्वी पर आपके अंग हैं, बुरे अंग हैं, उनको काट के फेंकना है, ना कि आँख निकालना है, ना पैर काटना है। बुरे कामों को छोड़ दो, पाप छोड़ दो, बुराई छोड़ दो, ये सब आपको काट के फेंकना है, काट फेंकना है। अभी समय है, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, वरना परमेश्वर नाश करके रख देगा, नूह के दिन की तरह नाश करके रख देगा, नाश करके रख देगा। आगे लिखा अय्यूब,
35 अध्याय के 6 और 7 वचन में, यदि तूने पाप किया है तो ईश्वर का क्या बिगाड़ता है, परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है, यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ भी जाते हैं तो भी तू उसके साथ क्या करता है, यदि तू धर्मी है तो उससे उसको क्या दे देता है, वह तेरे हाथ से उसे क्या मिल जाता है। यदि आप पाप किए हो तो आप परमेश्वर का नहीं बिगाड़ सकते हो, आप अपने लिए खुद गड्ढा खोद के रखे हो, आप पाप करके खुद नरक में जाना चाहते हो, विचार करके आप खुद नरक में जाना चाहते हो, तो परमेश्वर उसमें क्या करे मेरे भाई, क्या करे, क्या करे, क्या करे परमेश्वर, क्या करे परमेश्वर, उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। यीशु ने कहा है, जीवन और मौत की बातें तेरे सामने रखी, करो या मरो, मन फिराओ या नाश हो जाओ, पश्चाताप करो या नाश हो जाओ, पश्चाताप करो या लौट आओ या नरक जाओ। आपके सामने जीवन और मौत की बातें रखी हैं, चुनाव भी आपका है, फैसला भी आपका है, चुनो जिसको चुनना चाहते हो, चुनो जिसको चुनना चाहते हो। आगे मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ, गलातियों 5 अध्याय के 19 वचन में लिखा हुआ है, 19 वचन से हम पढ़ देते हैं 25 वचन तक। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन और इनके जैसे अन्य अन्य और काम है। पौलुस साफ बता रहा है कि ऐसे ऐसे जो गंदे, जो घिनौने काम करते हैं, इनके विषय में इन लोगों से पहले पौलुस चेता रहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। जो पाप करते, जो व्यभिचार करते, गुनाह करते, करते, शारीरिक संबंध बनाते, मूर्ति पूजा करते, क्रोध करते, हत्या करते, ये सब क्या नरक की आग में, विनाश की अग्नि में होंगे, इनकी जगह स्वर्ग में नहीं है, अनंत काल की आग में परमेश्वर ने ठहराया है। लिखा गलातियों 6 अध्याय के 8 वचन में, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा, और जो आत्मा के द्वारा बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। वचन साहब, यदि आप शरीर के द्वारा बो रहे हो, पाप कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, शरीर के द्वारा बो रहे हो, तो आपको विनाश की कटनी काटना पड़ेगा, नरक की कटनी को काटना पड़ेगा, आपको नरक में जाना पड़ेगा। यदि आप आत्मा के अनुसार चलाए चलते हो, परमेश्वर के वचन के चलाए चलते हो, तो आपसे बता रहा हूँ, आपको अनंत काल का जीवन परमेश्वर देगा। छोड़ दो, अभी समय है, लौट आओ, परमेश्वर आपको माफ कर देगा, मन फिराओ, पश्चाताप करो, तौबा करो। यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु ने कहा है मेरा आना अचानक होगा, उस समय कोई तो पाप कर रहा होगा, व्यभिचार कर रहा होगा, जो समय तैयार होगा मैं उसको लेकर जाऊंगा, पिता के घर में मैं उसको ही मकान दूंगा। यीशु ने कहा मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और आऊंगा फिर मैं तुमको लेकर जाऊंगा, क्योंकि जहाँ पर मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मगर भैया ऐसे परमेश्वर नहीं देगा, जब तक आप पाप नहीं छोड़ोगे, बुराई नहीं छोड़ोगे, पवित्र जीवन नहीं जियोगे, वचन खराई से नहीं चलोगे, तब तक परमेश्वर आपको स्वर्ग का जीवन कभी नहीं देगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, समय है, लौट आओ, परमेश्वर माफ करेगा। बोल दो अपने गुनाहों को, तौबा करो, पश्चाताप करो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को दबा के शेयर करेगा। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।